नोवो 605 मॉडल ट्रैक्टर है और इसका डिफेंसल से पीछे पीटियो शाफ्ट से साउंड आ रहा था। और वो भी साउंड कब आ रहा था कि जब ट्रैक्टर ये पाइलिंग का काम करता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक पोल को गड्ढा करके लगाने का काम है, और जब ये पाइलिंग में डिप करता था तो उस समय लोड में साउंड आता था पीटियो से। क्या होता था? आवाज़ आता था खट खट लोड देने पर कि ऐसी खाली में नहीं, लोड देने पर लोड देते थे पाइलिंग करने के लिए गड्ढा, तो किस तरह का आवाज़ आता था? खट खट आवाज़ करता था। तो उसी के लिए ये देख सकते हैं पीछे का पीटियो सिस्टम पूरा खुला हुआ है, इसका पूरा एसएमएल हाउसिंग। और इसको अभी हम खोल के निकालेंगे बाहर एक एक पार्ट्स को और दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से इसका पीटियो गियर से साउंड आ रहा था। और यही पूरा हाउसिंग जो है पीटियो गियर का, इसी से साउंड आ रहा था। ठीक है, अभी पूरा कन्फर्म पता नहीं चला है, हाउसिंग को नीचे उतार लिए हैं, डाउन कर लिए हैं, लेकिन एक एक पार्ट्स को डिसेम्बलिंग करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बैरिंग से प्रॉब्लम है या गियर टीथ से या क्या है। सारा सिस्टम आपको खोलने के बाद इसमें जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से फ्रॉक शिफ्टर फ्रॉक को ये जो लॉक है इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और एक और इसमें है डबल लॉक है, डबल पिन लॉक है इस तरह से हैमर की मदद से झटका दे देकर इसको बाहर निकालना होता है। लॉक, दोनों लॉक बाहर निकल गया और इस तरह से स्क्रू ड्राइव से इसे खसकाते जाएंगे। और उसके बाद ये लॉक गियर शिफ्टर फ्रॉक का लॉक है, इसमें भी लॉक पिन को भी बाहर निकालना है। इसको भी हैमर की मदद से झटका दे देकर इसी तरह से देख सकते हैं बाहर की ओर आ रहा है। ये भी निकल गया है, इसका फ्रॉक भी। इसके बाद इस तरह से सांप को बाहर रॉक निकल गया है। यहाँ से ये बोल्ट को खोलेंगे, 14 mm के बोल्ट को, और इसका बॉल स्प्रिंग को भी बॉडी का बाहर निकाल लेंगे, फ्रॉक का शिफ्टर फ्रॉक का। और ये सर्किल प्लग को भी निकालना होगा, ये वाला सर्किल प्लग। ये भी पूरी तरह से निकल चुका है और ये देख सकते हैं
तो ये देख सकते हैं पूरा पूरी तरह से इसका बैरिंग है, किस तरह से बॉल बैरिंग डैमेज हो चुका है, और इसी के कारण से इसमें प्लेइंग भी आगे पीछे और साउंड भी था। और इसका सील भी चेंज होगा, बैरिंग निकालना है। तो ये इसका पूरी तरह से ये पीटीओ सिस्टम डिसेंबलिंग हो गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं इधर भी ये गियर सिस्टम और इसका ये नीडल बैरिंग, ये इस तरह से सेटिंग रहता है। और ये इसका स्पेसर और सर्किल ब्लॉक भी, और ये दूसरा वाला ये गियर और इसका बैरिंग भी ठीक है, ठीक है, शाफ्ट का। और ये नीचे वाला जो मेन पीटीओ शाफ्ट है जिससे इंप्लीमेंट को चलाते हैं, इसी का ये 6309 नंबर का बैरिंग टूटा हुआ था, ठीक है, इसी के कारण से साउंड भी आ रहा था और पीटीओ शाफ्ट आगे पीछे भी प्लेइंग हो रहा था, ठीक है। और ये इसका पूरा सिस्टम जो कि ये गियर पीटीओ गियर इस तरह से आगे पीछे होकर और शिफ्ट होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रल पोजीशन भी इस तरह से, ये न्यूट्रल पोजीशन और ये गियर, फिर न्यूट्रल, फिर गियर, और बाकी इसका सारा गियर तीट ठीक है। बस यही इसका एक बैरिंग चेंज करना था, क्योंकि इसका बैरिंग टूटा था, इसी के कारण से साउंड भी आ रहा था। और ये बैरिंग टूटा हुआ पोजीशन में अगर चलते रहता तो फिर इसमें गियर तीथ भी ये टूटने का चांस बना रहता है, ठीक है, टूट सकता था। तो सबसे पहले तो इसका जो बैरिंग है उसे चेंज करेंगे, और उसका सील भी और मार्केट से आता है, उसके बाद एक एक करके इसके सारे पार्ट्स को हम इसका पीटीओ गियर हाउसिंग में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ट्रैक्टर के रियल डिफेंसल में असेंबली करना है, और उसके बाद ये ट्रैक्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये बैरिंग 6309, ये जो टूटा था इसको असेंबल कर लेंगे। ये फ्रॉक में ये देख सकते हैं शिफ्टर को बैठा लेना है, और उसके बाद इसका रेल, ये गियर शिफ्टर रेल, इसे भी इस तरह से आराम से बैठाना है, ठीक है। फ्रॉक को इसका इस तरह से सेट कर लेना है, तो इसका फ्रॉक को इस तरह से लगाकर और ये शाफ्ट में सेंटर कर लेना है,
इस तरह से सेंटर करके और इसे बैठा लेना है फ्रॉक को। अब इसके बाद इसका लॉक, ये लॉक को इस तरह से इसे करके सेंटर कर देना है फ्रॉक को। इसके बाद ये वाला भी पतला वाला लॉक, मेन प्राइमरी लॉक, इसको भी इसी तरह से बैठा लेना है इसी में। इसका सर क्लिप लॉक को इस तरह से लगा के लॉक कर देना है। उसके बाद इसका ये लॉक सेंटर करके ये लॉक को लगाना है। इसी तरह से स्पीड में रखते हुए और इसको चोट देकर लॉक पिन को बिठा लेना है। इसके बाद हम ये बॉल और स्प्रिंग को भी लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से बॉल को डाल लेंगे और उसके बाद में ये स्प्रिंग और उसके बाद में बोल्ट को टाइट कर लेना है। पूरी तरह से बोल्ट को टाइट कर लेना है। तो इसका पूरा गियर असेंबल हो चुका है, ठीक है, गियर हाउसिंग में। और थोड़ा सा इसमें कंजक्शन एरिया है, थोड़ा सा जगह कम होता है, इसके कारण से थोड़ा सा परेशानी होता है इसको असेंबल करने में। और एक एक करके इसका गियर सिस्टम सॉफ्ट या गियर सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तीनों को एक बार असेंबल करना, गैप को देखते हुए, सेटिंग को देखते हुए और एक साथ में निकालना होता है। तो ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है और अब हम इसे डिफरेंशियल हाउसिंग में असेंबल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। Thank you.